मैंने एक शहबाज लड़का यहीं प्रैक्टिस करके निकला यहाँ से, तो दुआ करेंगे कि आप जो है इस अपने आईपीएल करियर में बहुत बेस्ट करें और हमारे व्यूवर्स को अब की बार आप आईपीएल में हो तो क्या उम्मीद है? बिल्कुल कोशिश करेंगे, टीम फाइनल में जीते, फाइनल तक पहुंचे और परफॉर्मेंस अच्छी रहे तो यही कोशिश रहेगी। आपकी टीम चौमा आज क्वार्टर फाइनल में जीती है, बहुत आसानी से आप लोगों ने जीते। पहले जब स्टार्टिंग में हैबत का बैटिंग कर रही थी तो स्टार्टिंग के जो ओवर थे वो बहुत अच्छे बैटिंग चल रही थी, क्या प्लान किया था जो उसको एकदम से रोक दिया? नहीं, स्टार्ट उनकी अच्छी थी तो कोशिश यही थी अच्छी जगह बॉल डाले और इकट्ठे वो चार पाँच आउट हो गए तो कम से कम स्कोर में रुक गए तो इजी था। अगली बार अभी आज जो मैच हुआ है ये क्वार्टर फाइनल मैच था, सेमीफाइनल और फाइनल बाकी हैं, तो आगे अवेलेबल रहेंगे आप? अभी देखते हैं कब मैच रहेगा, उस हिसाब से पता लगेगा। और क्या कहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, ब्रज मेवात ये क्षेत्र है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पब्लिक बहुत अच्छी है यहाँ, मैं जैसे कह रहा हूँ पिछले तीन चार साल से आ रहा हूँ तो बहुत अच्छी पब्लिक है, सपोर्टिंग पब्लिक है, हमेशा सपोर्ट करती है तो बहुत अच्छा। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे, मतलब आगे जो प्लेयर हैं बड़े लेवल में जो प्लेयर हैं वहाँ इस टूर्नामेंट की चर्चा होती है सुमित जी? बिल्कुल, यहाँ दिल्ली में जितने भी टूर्नामेंट खेलते हैं वहाँ के सारे प्लेयर यहाँ के खेलते हैं तो अच्छा कंपटीशन वाली क्रिकेट खेलने को मिलती है तो बहुत अच्छा माहौल है। जी, हमारे इस क्षेत्र से शहबाज अहमद जी हैं जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस क्षेत्र से जो युवा जो हमारे युवा साथी हैं वो ऊँचे लेवल पर क्रिकेट खेले तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? बिल्कुल, आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक शहबाज लड़का यहीं प्रैक्टिस करके निकला है यहाँ से, तो सब जो भी पब्लिक आ रही है यहाँ पे जो भी बच्चों को एक अच्छी इंस्पिरेशन है कि वो भी मेहनत करे और वहाँ तक जा सकती है। जी, हम जो है दुआ करेंगे कि आप जो है इस अपने आईपीएल करियर में बहुत बेस्ट करें और हमारे व्यूवर्स को आप कोई स्पेशल मैसेज कोई क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, क्रिकेट को सपोर्ट करते रहो और सब जो भी क्रिकेट खेलता है अच्छे तरीके से मेहनत करे तो सब सक्सेस जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी थे।